प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय कचरा संग्रहण एवं निपटान। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आप बाजार से सामान कौन से पैकेटों में घर लेकर आते हो? तो आप उत्तर देंगे कि हम अधिकतर प्लास्टिक की थैलियों में पैक हुए सामान को घर लाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन प्लास्टिक की थैलियों का आप क्या करते हैं? तो उत्तर है, आप इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। बच्चों, आप अपने घर का कूड़ा करकट यानी कि कचरा कहाँ फेंकते हो? ये भी जवाब सही है आपका, आप इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। सफाई कर्मचारी इस कूड़े को ले जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसके बाद इस कूड़े का क्या होता है? तो बच्चों, आज के अध्याय में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे कचरे का निपटान, वर्मी कंपोस्टिंग, कागज का पुनर्चक्रण, जैव अविघटनशील कचरे का निपटान, प्लास्टिक इत्यादि। बच्चों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कचरे के निपटान के बारे में। दीपक ने देखा कि घर के नज़दीक तालाब में रहने वाली मछलियां एक एक करके मर रही हैं। उसने इसका कारण जानने की कोशिश की। इसका कारण तालाब में लोगों द्वारा फेंका हुआ कचरा था, इसलिए दीपक ने सोचा कि जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए कचरे की संभाल और निपटान का उचित प्रबंधन होना अनिवार्य है। दीपक यह जानना चाहता था। आओ बच्चों, यह जाने कि कूड़ा करकट अथवा कचरे का निपटान किस प्रकार होता है। हमारे प्रतिदिन के कार्यों से अनेक प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है। फालतू या उपयोग में न आने वाले सामान को हम कचरा कहते हैं, जैसे घरों का कचरा, मल प्रवाह, उद्योगों से व्यर्थ पदार्थ, पैकिंग की वस्तुएं, टूटे हुए वाहन, पुराने टीवी, पार्कों का कचरा, पुराने टिन के डिब्बे इत्यादि। कूड़ा कचरा दो प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। फलों, सब्जियों के छिलके आदि जैव निम्नीकरणीय कचरे में आते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, ग्लास, टिन आदि जैव अनिम्नीकरणीय कचरे में शामिल होते हैं। आइए बच्चों, जैव निम्नीकरणीय कचरे का निपटान किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जब हम कोई फल अथवा सब्जी को छीलते हैं तो यह आवश्यक है कि इन छिलकों को कूड़ेदान में डाला जाए। खुले में पड़ा हुआ कूड़ा मक्खी मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके साथ कई बीमारियां फैलती हैं। आओ अब कचरे के निपटान के भिन्न भिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करें। हम यहाँ कचरे के निपटान के लिए तीन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और कागज का पुनर्चक्रण। आओ अब एक एक करके इन सब के बारे में जानें। कंपोस्टिंग, सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करके ट्रकों द्वारा खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ लेकर जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहा जाता है। भराव क्षेत्र में कूड़े करकट को उपयोगी अथवा अनुपयोगी भागों में बांटा जाता है। अनुपयोगी भाग को भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत के साथ ढक दिया जाता है। कूड़े करकट के उपयोगी भाग के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के निकट ही कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित कर लिए जाते हैं। बच्चों, कंपोस्ट किसे कहते हैं क्या आप जानते हैं? कंपोस्ट काले रंग का पदार्थ होता है जो कूड़े करकट के पूर्ण रूप से विघटन होने पर बनता है, यानी कि गलने सड़ने पर बनता है, और इसकी कोई गंध भी नहीं होती। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जिसका उपयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के गलने सड़ने से खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कंपोस्टिंग की एक किस्म वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। बच्चों, केंचुए को किसान का मित्र जीव भी कहा जाता है। आओ यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति जो कि लाल केंचुआ है कंपोस्टीकरण में किस प्रकार से उपयोगी है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टीकरण अथवा वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे कंठ अथवा गिजड़
कहा जाता है, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। लाल केचुए अधिक गर्म या ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, उन्हें अपने चारों ओर नमी की आवश्यकता होती है। आओ अब वर्मी कंपोस्टीकरण की इस प्रक्रिया को समझें। मैदान में एक गड्ढा खोदें अथवा एक लकड़ी के बक्से को किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न बहुत गर्म हो और न बहुत ठंडा। गड्ढे अथवा बक्से के तल पर एक जाल बिछाओ। जाली के ऊपर हरे पत्ते, पौधों की सूखी डालियां और भूसा बिछा सकते हैं। थोड़ा पानी छिड़क कर इस परत को गीला करो। अब कुछ लाल केचुए गड्ढे या बक्से में रखो और इन्हें जूट की बोरी से या पुरानी चादर से या फिर घास के साथ हल्का सा ढक दो। अब गड्ढे में फल सब्जियों के अपशिष्ट अवशेष, बची हुई चाय पत्ती, मृत पौधे अथवा खरपतवार डाल दें। कुछ दिनों बाद गड्ढे में आप बदलाव देखेंगे। 3-4 हफ्तों के बाद गड्ढे में मिट्टी जैसा नरम पदार्थ दिखाई देने लगता है। यह वर्मी कंपोस्ट है। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने बगीचों, गमलों या खेतों में डाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम कागज का पुनः चक्रण किस प्रकार से किया जाता है एक प्रक्रिया के द्वारा समझेंगे। इसके लिए हमें कागज के टुकड़े, समाचार पत्र, पुराने लिफाफे और उपयोग की हुई पुरानी किताबों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें जालीदार लंबे टुकड़े की भी आवश्यकता होगी। हम इस जालीदार टुकड़े के स्थान पर छननी यानी कि छालनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उपयोग किए गए कागज के कुछ टुकड़े लें, इन्हें जल की बाल्टी अथवा टब में डालें। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए इसी प्रकार डूबे रहने दें। अब आप देख सकते हैं कि कागज एक पेस्ट जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो चुका है। अब इस पेस्ट को छन्नी में फैलाएं। छन्नी में इस पेस्ट की एक समान मोटाई वाली परत को बनाएं। उतने समय तक प्रतीक्षा करें जितने समय तक सारा पानी नीचे न निकल जाए। अब इस पेस्ट की परत को छननी में से बाहर निकालिए और किसी मेज पर समाचार पत्र बिछाकर धूप में रखें। समाचार पत्र को मेज पर पिन की सहायता से टिका दें ताकि समाचार पत्र के किनारे मुड़कर हमारे पेस्ट की परत को खराब ना कर दें। इस पेस्ट को इस प्रकार धूप में सूखने दें। आप पेस्ट बनाते समय रंगीन कागज, हरे पत्ते या फूल पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सुंदर पैटर्न मिल सकता है। अब आपके पास पुनः चक्रित किया हुआ आकर्षक कागज प्राप्त हो चुका है। आइए बच्चों, अब हम जैव अनिम्नीकरणीय या विगलित ना होने वाले कचरे का निपटान किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल आदि प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जो आसानी से विगलित नहीं होता। इसके साथ ही प्लास्टिक का निपटान भी सरल नहीं है। यदि हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं। इधर उधर फेंके हुए प्लास्टिक के लिफाफों के साथ गंदगी फैलती है और यदि कोई जानवर इन लिफाफों को खा लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, यह लिफाफे कई बार नालियों में फंस जाते हैं और नालियों को बंद कर देते हैं। प्लास्टिक के आवश्यकता से अधिक उपयोग को कम करने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के लिफाफों का उपयोग कम से कम करें। जहां तक संभव हो इन लिफाफों का पुनः उपयोग करना चाहिए। दुकानदारों को कागज के लिफाफों का उपयोग करने पर जोर दें। खरीदारी के लिए कपड़े अथवा जूट के थैले का प्रयोग करें। खाने पीने की वस्तुओं को प्लास्टिक के लिफाफों में न रखें। उपयोग करने के पश्चात लिफाफों को इधर उधर फेंक कर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुओं को जलाने से परहेज करें ताकि हमारा वातावरण दूषित ना हो। आओ बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी दोहराई कर लेते हैं। अवांछित वस्तुओं अथवा अनुपयोगी वस्तुओं को कचरा अर्थात कूड़ा कचरा कहा जाता है। कचरा दो प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। कूड़े कचरे का निपटान कई तरीकों से हो सकता है, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग,
और कागज का पुनःचक्रण भी हम कर सकते हैं। फल और सब्जियों के छिलके जैव निम्नीकरणीय होते हैं और इनसे कंपोस्ट बन सकती है। प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक के जलाने से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आशा करता हूं कि आप उनके उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले रिक्त स्थान, वह स्थान जहां पर शहर का कूड़ा कचरा एकत्र करके भरा जाता है यह कहलाता है। तो इसका सही जवाब है भराव क्षेत्र। रसोई घर के कूड़े को लाल केचुए द्वारा खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को यह कहते हैं। सही जवाब है वर्मी कंपोस्टिंग। हमें कम से कम यह उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, पाठ के अनुसार आप जानते ही हैं, हमें कम से कम कूड़ा कचरा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसे जलाने से हानिकारक गैसें बाहर निकलती हैं। तो सही जवाब है प्लास्टिक। प्लास्टिक को जलाने से हानिकारक गैसें बाहर निकलती हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उसके उत्तर दीजिए। कागज का पुनःचक्रण किस प्रकार किया जाता है? कागज का पेस्ट बनाकर, यानी कि उसे भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर हम उसे पुनःचक्रित करके उसी तरह का कागज तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या अंतर है? कंपोस्टिंग में कूड़े कचरे को बिना केचुओं की सहायता कंपोस्ट में बदला जाता है, जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में कूड़े कचरे को कंपोस्ट में वर्मी यानी कि केचुओं की सहायता से बदला जाता है। इसी के साथ हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस पूरे अध्याय को अच्छे से समझा होगा। बच्चों, अब अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस अध्याय को फिर से पढ़ें और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।